टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार देश में हाथरस की बेटी, इस देश की बेटी की इंसाफ की मांग हो रही है। इस मामले में कई पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। बहरहाल हाथरस का मामला राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हर किसी की जुबान पर एक ही आवाज़ है, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, आरोपियों को फांसी की सजा हो। आज लगातार इस देश की चाहे सामाजिक संस्था हो या अन्य लोग अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आज मुमरा बाईपास पर प्रहार अपंग क्रांति के बैनर तले ठाणे शहर के अलग अलग इलाकों से लगभग 50 के आसपास अपंग एक साथ हाथरस की बेटी की न्याय के लिए, इंसाफ के लिए जो है आज मांग कर रही है और साथ ही साथ जो है उस बेटी को श्रद्धांजलि दी, उसके परिवार को न्याय मिले, उन आरोपियों को फांसी की सजा हो जिसके लिए एहतजाज किया है। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है प्रहार अपंग क्रांति संस्था के लोगों ने। यही कहना चाहते हैं कि ये जो हाथरस में जो घटना घटी है एक लड़की के साथ, ये घटना हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस घटना को रोकने के लिए हमारी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएँ जो हिसाब से हो रही है, लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लोगों का ये मानना है कि बस उनको घटना होने के बाद उनको सरकार इतना पैसा दे रही है या जो कुछ भी है, इस चीज़ से उसका ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार अगर 5 साल 10 साल लगाती तो उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी फिर अपराध करने का मौका मिलता है कि बोले उनका जो होगा वो बाद में होगा, तो हमारे को भी मतलब ये है तो डरते नहीं है लोग, तो उससे मालूम पड़ गया है कि इन्होंने अपराध किया है तो उनको जल्द से जल्द फांसी देने की कोशिश कर। अपंग क्रांति संगठन के जो लोग हैं, जितने जो इसके रोए रवा हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने एक इस एहतजाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा आपके इस प्रहार टाइम्स के माध्यम से कि जिस तरीके से ये जो सरकार 6 साल से जो राज कर रही है, जिस तरीके से इन लोगों ने शूद्र कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो निचली जाति के जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो पीड़ा करने का काम है, जो जुल्म करने का काम है वो कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बेटी थी उसकी बड़ी क्रूरता से उसका कत्ल कर दिया गया, उस कत्ल करने उसका रेप किया गया, उसका कत्ल किया गया, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई। ऐसे ही आपको मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे इस बाजू में अहमदनगर के अंदर भी एक ऐसी दास्तान हुई थी जिस अंदर एक लड़की 14 साल की लड़की थी, उसका रेप कर दिया गया। वो अपर कास्ट के जो लोग थे उन लोगों ने उसको सिर्फ इसलिए रेप किया था क्योंकि वो उनके रास्ते पर से चली गई थी। और इस तरीके से जो अराजकता फैली हमारे देश के अंदर, जिस तरीके से हमारी जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं अनसेफ होती चली जा रही हैं। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं जो मनीषा के साथ भी हुआ है, जो लोगों ने दुश्मन किया है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और योगी सरकार से एक ही बर्खास्त करते हैं हम लोग कि भाई सबूत मिटाओ मत, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दो। किसी बेटी के साथ जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आधी रात को तुमने उनकी लाश जला दी आज, तो अभी हम लोग ये भी मांग करेंगे कि उसके फैमिली को भी प्रोटेक्शन दो, क्या पता कल उनकी फैमिली के साथ भी कुछ गलत हो सकता है।